सो व्हाट्सएप पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो माइनक्राफ्ट पोकर एडिशन के इंस्टेंट फार्म की वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पर, बट माइनक्राफ्ट जावा एडिशन प्लेयर्स का क्या? तो गाइस माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर तो और भी तगड़े मोड है, जिसकी मदद से हम अपने वर्ल्ड और सर्वर्स के अंदर भी हम एक क्लिक से हमारे कोई से भी स्ट्रक्चर और फार्म से स्पॉन करवा सकते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये वाला मोड यूज करते हुए देखा होगा, सो इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है ये चार मोड्स है। चार मोड्स के लिंक से मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर आप कोई से भी चार मोड से डाउनलोड करोगे तो फेवरिक लोडर तो आप इजीली बस ये क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, बट ये जो तीन मोड्स है हमारे, इनका आपको सेम वर्जन यूज करना है ताकि ये मिसमैच ना हो और कुछ एरर ना आए, और इन सबका आपको सेम वर्जन डाउनलोड कर लेना है। भाई सारे मोड्स तो डाउनलोड होने के बाद आपको बस ये जो तीन हमारे दिख रहे हैं इनको करना है कॉपी। फैब्रिक लोडर को आपको नहीं करना है, इन सबको करना है हमको कॉपी। एंड उसके बाद चले जाना हमारी माइनक्राफ्ट की फाइल लोकेशन में। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेगेसी लॉन्चर का, आप आपके हिसाब से कैसे भी देख लेना। फाइल लोकेशन इस तरह से ओपन हो जाती है इसकी। एंड अगर आपको पता नहीं आपकी माइनक्राफ्ट की फाइल लोकेशन, तो आपको क्लिक करना है विंडोज प्लस आर, देन उसके बाद आपको लिखना है परसेंटेज एप डाटा परसेंटेज। ये लिखने के बाद अगर आप ओके करोगे तो नॉर्मली आपको फोल्डर मिल जाएगा माइनक्राफ्ट का ऊपर ही, बट मैंने इसको अपने डी ड्राइव के अंदर सेव करके रखा है इसलिए मेरी लोकेशन यहाँ पे अलग है। तो इसको हमको करना है ओपन, एंड हमको यहाँ पे सिंपली मोड्स के फोल्डर के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास मोड्स का फोल्डर नहीं है तो सिंपली इसको क्रिएट कर लेना मोड्स का फोल्डर बना के। तो इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं एंड हमारे मोड्स के फोल्डर में जो तीन मोड्स है हमारे, इनको कर देते हैं पेस्ट। तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद हमको इसको कर देना है क्लोज। एंड अब हमको यूज करना है हमारा फेवरिक लोडर। तो इसके ऊपर जैसे कि आप दो बार क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोड हो जाएगा, एंड उसके बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वर्जन, जो भी वर्जन के आपने मोड से डाउनलोड करे हैं वो वर्जन आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड जो हमारा सेकंड नंबर का जो भी अपडेटेड वाला रहेगा सबसे टॉप वाला, इसको सिलेक्ट कर लेना है। एंड अब आती है हमारे यहाँ पे माइनक्राफ्ट की लोकेशन। तो अगर आपको अपनी माइनक्राफ्ट की लोकेशन नहीं पता, तो जो हमारे लेगेसी लॉन्चर रहता है उसके अंदर तो हम यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करके प्रीफ्रेंस के अंदर जाके तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड ये सब का लॉन्चर्स का अलग अलग रहता है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना कि लोकेशन आपकी कहाँ है। तो इसको कर लेना है हमें यहाँ पे कॉपी, देन उसके बाद चले जाना है इसके यहाँ पे कर देना है रिमूव, एंड जो भी हमने कॉपी करा है उसको पेस्ट कर देना है। एंड देन उसके बाद ये प्रोफाइल है इसके ऊपर टिक करके, एंड हमारे पास इंटरनेट एक्सेस रहना चाहिए, तो आप देख सकते हो इंटरनेट एक्सेस ऑन है। देन उसके बाद हमको यहाँ पे आप करना है इंस्टॉल पे क्लिक, तो ये सब हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंस्टॉल। देन उसके बाद हमको हमारा माइनक्राफ्ट का लॉन्चर ओपन करना है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ फेब्रिक लोडर आ जाएगा, तो इसको पर क्लिक करके हमको यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देना है। अब हमारे माइनक्राफ्ट के अंदर लेटमेटिक का मोड ऐड हो चुका है, तो इसका यूज किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी स्ट्रक्चर को आपको कॉपी करना है उसके चले जाना है आपको ऐसे हेजिस पे, देन उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चले जाता हूँ, एंड उसके बाद आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना है एम। देन उसके बाद जो हमारा एरिया सिलेक्शन मोड है उसको सिंपल से नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, एंड चले जाना है एरिया सिलेक्शन ब्राउजर पे। एंड हमको यहाँ पे आप न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करना है, एंड जो भी आपको नाम देना आप उसके हिसाब से देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आयरन फार्म, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद इसके कॉन्फ़िगरेटर पे जाना है, एंड यहाँ पे आप वापस इसके कॉन्फ़िगरेटर पे जाना है, एंड अब इसको सेट करना है जो कॉर्नर वन है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे फिर इसके बाद मूव टू प्लेयर पे एक बार आप यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा एजिस टाइप आ जाएगा ये वाले ब्लॉक पे, एंड ये वाले कॉर्नर से हट के हम इसको दूसरे कोने पे चले जाना है। तो जैसे हम इसके दूसरे कोने पे आ जाते हैं वापस से हमको यहाँ पे एम अपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है, एरिया सिलेक्शन में एरिया एडिटर पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, एंड जो कॉर्नर टू है इस पे क्लिक करना है, एंड वापस से मूव टू प्लेयर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसकी व्हाइट कलर की बॉर्डर आ गई है। अब इसको हमको किस तरह से करना है फिट, तो हमको वापस से यहाँ पे एम पे क्लिक करना है, एरिया एडिटर के अंदर चले जाना है कॉन्फ़िगर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके सब पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वाई पोजीशन के इसके प्लस पे क्लिक करके राइट एंड लेफ्ट क्लिक से इसको हम यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड जो हमारी एक्स पोजीशन है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसकी भी राइट एंड लेफ्ट क्लिक से इसकी साइड की एजेस उनको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं। एंड जेड की से हम इसके फ्रंट एंड बैक की पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो इन तीनों की मदद से जो भी स्ट्रक्चर आपको कॉपी करना है उसको सेट कर लेना। पोजीशन सेट होने के बाद आपको यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है, बैक आ जाना है, एंड ये जो सेव स्कीमेटिक है इसके ऊपर एक बार आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेम इसका यही वाला रहने देना, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हमको यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, तो पेस्ट करने के लिए मैं चला जाता हूँ दूसरे वर्ल्ड के अंदर। आप चाहो तो वही वर्ल्ड के अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, एंड दूसरे वर्ल्ड के अंदर से कॉपी लेके आपके अपने सर्वाइव वर्ल्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हो। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फ्लैट वर्ल्ड के अंदर, तो इसको वापस से एम पे क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पे लोड स्कीमेटिक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी स्ट्रक्चर आपको पेस्ट करना है
उसके ऊपर एक बार कर देना है क्लिक। एंड अगर आप सर्वाइवल में उसको बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप मटेरियल लिस्ट भी देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स लगने वाले और कितने क्वांटिटी में लगने वाले। तो उसको सबसे पहले आपको कर देना है बैक एंड उसके बाद जाना है आपको लोड स्मेटिक पे क्लिक। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ब्लू प्रिंट कुछ इस तरह से आ गया है। यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ एंड ये हमारा पेस्ट नहीं हुआ है, ये हमारा हुआ है ओनली इसका ब्लू प्रिंट, मतलब इसके आर पार में जा सकता हूँ। तो इसको हमको अब रियल में पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर्वाइवल में अगर आपको अपने मेहनत से बनाना है इसको तो आप किस तरह से इसको बना सकते हो बिना क्रिएटिव में जाए हुए। तो हम यहाँ पे चले जाता हूँ सर्वाइवल के अंदर, पर उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एम क्लिक कर देता हूँ एंड चले जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू पे। एंड जो आपको ये तीन नीचे दिख रही ना इजी प्लेसमेंट फर्स्ट एंड ये जो तीनों इनको आपको ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद ये आपको चले जाना है होटकेस पे एंड जो हमारे ये नंबर का है प्लेस क्यूज, इसको आपको जो भी बटन सेट करनी है उसके ऊपर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जो हमारे इजी प्लेस टूगल है ये हमारी ऑन ऑफ की बटन है, तो ऑन ऑफ मैंने यहाँ पे एल कर दिया है। एल जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑन या ऑफ होगा, तो इसको चलो कर लेते हैं बैक। तो अब यहाँ पे देखो मैं एल बटन को अगर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये ऑन ऑफ ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ऑफ अभी। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं कुछ ब्लॉक्स ऑन, जो भी इसके अंदर ब्लॉक्स लगने वाले हैं उनको कलेक्ट क्रिएटिव के अंदर से। तो आप सर्वाइवल में इसको अगर बनाना चाहते हो तो मैं आता हूँ सर्वाइवल मोड के अंदर, देन उसके बाद मेरी जो टूगल की बटन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करके कर लूँगा इसको ऑन। एंड जो भी मैंने बटन यहाँ पे सेट करके रखी होगी अगर मैं उसको यहाँ पे करता हूँ क्लिक कुछ इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक प्लेस होने लग जाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो हम सर्वाइवल के अंदर इजी पीजी तरीके से बना सकते हैं अगर आपको सर्वाइवल के अंदर बनाना हो तो। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको क्रिएटिव के अंदर से किस तरह से वन क्लिक के अंदर बना सकते हैं। तो चलो मैं आ जाता हूँ क्रिएटिव में अब। एंड इसके अंदर हमको अगर वन क्लिक के अंदर इसको बनाना है तो हमको जरूरत पड़ी एक जादुई छड़ी की। तो मतलब ये नॉर्मल स्टिक है, आप यहाँ पे नॉर्मल स्टिक लोगे तो ये अब हमारे जैसे मोड ऐड हो जाएगा ये नॉर्मल स्टिक नहीं होगी, ये जादुई छड़ी बन जाएगी। तो आपको यहाँ पे एम पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू पे जाना है एंड होटकेस के अंदर यहाँ पे आपको सर्च करना है EXE। तो आप जैसे ये करोगे तो आपको यहाँ पे भी एक होटकेस सेट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एम। ठीक है, तो अब ये हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ले लेना है अपने हैंड में स्टिक्स एंड कंट्रोल की मदद से आ जाना है आपको नंबर 5 के अंदर। जैसे आप नंबर 5 पे आ जाओगे आपने जो भी होटकेस सेट करी है उसके ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो चुका है पेस्ट इंस्टेंट वन क्लिक के अंदर। तो अब यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से आप कोई से भी स्ट्रक्चर को कॉपी कर सकते हो। एंड इसके जो एजेस है इसको ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे वापस से एम क्लिक करना है एंड चले जाना है स्कीमेटिक प्लेसमेंट के अंदर एंड जो भी ये प्लेसमेंट ऑन है इसको कर देना है ऑफ। फिर आपको आ जाना है बैक एंड आप देख सकते हो कि कोई से भी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स को आप कुछ इसी तरह से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो सर्वाइवल में भी एंड क्रिएटिव मोड के अंदर भी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले माइनक्राफ्ट के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।